आज आप लोगों के लिए लेके आया डीप सिस्टम का वीडियो। आप लोगों को सबको पता ही होगा डीप का दो सिस्टम होता है, एक ऑनलाइन है एक इनलाइन है। तो ऑनलाइन में क्या होता है, जो जड़ जहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, प्लांट का अंतर आपको खुद डिसाइड कर सकते हैं कितना अंतर आप ड्रिप लगाओगे। और इनलाइन का सिस्टम क्या होता है, हर 2 फीट नहीं तो 1.5 फीट अंतर एक ड्रिप लगा हुआ रहता है पाइप की। तो ऑनलाइन में हम लोग ये आज दिखाने वाले ऑनलाइन सिस्टम का एक ड्रिप सिस्टम बिछाने कैसे क्या बिछाना पड़ता है। पहले देखिए जो पाइप सिस्टम बिछा रहे हैं, बिछाने का बिछाना चल रहे हैं, इसमें पाइप लगा रहे अमरूद प्लांट का बारे में, अमरूद प्लांट में ड्रिप सिस्टम लगा रहे हैं। और इसमें ये ऑनलाइन ही होगा क्योंकि अमरूद का प्लांट का डिस्टेंस 7 फीट बाई 8 फीट रखा हुआ है। तो इसमें पाइप बिछाने का काम चल रहा है, पाइप बिछाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें ड्रिप कैसे लगाना पड़ता है। ड्रिप का जो सामान है यहाँ पे रखा हुआ है, एक बार देख लीजिए, दिखा रहा हूँ मैं। इसमें पाइप है और छोटा छोटा ड्रिप इसमें रखा हुआ है, और पाइप छोटा पाइप से ड्रिप में जुड़ने का सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है। और जो मेन लाइन है, मेन लाइन यहाँ पे दियाल पे लगा के रखा हूँ। ये 1 बीघा जगह है, इसमें अमरूद प्लांट लगा हुआ है। और ये जो मेन लाइन है, मेन लाइन से साप लाइन जोड़ने का काम भी चल रहा है, और साप लाइन से भी कॉर्ड लाइन जो प्लांट का जड़ में मतलब गड़ा में जड़ में देने का काम भी यहाँ पे छोटा ड्रिप करेगा। और इसमें आपको बाद में और एक इसमें दिखाने वाला हूँ कैसे ड्रिप सिस्टम इसमें लाइन में लगाना पड़ता है। इसमें ड्रिप जो मेन लाइन होता है, मेन लाइन को छोटा छोटा छेद करके फिर ड्रिप जोड़ के फिर जड़ में लगाना है। और ये जो ड्रिप हम लोग लगा रहे हैं, एक घंटा में चार लीटर पानी सप्लाई देने वाला जो ड्रिप है उसमें वो हम लोग लगा रहे हैं। और इसमें एक घंटा में चार लीटर पानी इसमें सप्लाई करेगा, तो मोटा मोटी 4 लीटर पानी इसमें सप्लाई करेगा तो अमरूद प्लांट में हो जाएगा, छोटा प्लांट में। तो इसमें ड्रिप सिस्टम देखिए कैसे लगा रहे हैं, एक छोटा सा होल कर रहे हैं, हाँ, फिर वो साप लाइन लगा के ड्रिप उसमें जुड़ के दे रहा है। और इसमें बाद में और भी दिखाऊंगा मैं जो इसमें ड्रिप सिस्टम में कैसे पाइपलाइन में एक एक बल्ब जुड़ा हुआ है। आप अपना हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं हर रो में कितना पानी जाएगा, कितना क्या कौन सा रो, अलग अलग रो में अलग अलग प्रेशर से पानी आप दे सकते हैं। हर रो में एक एक बल्ब लगा हुआ है। आप दिखाऊँगा जो मोटर में डायरेक्ट कैसे इसमें फिट करें। ये जो मोटर है, मोटर का साथ डायरेक्ट इसमें पाइप्स फिट कर दिया। फिट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो फर्टिलाइज़र वगैरह देने का एक सिस्टम भी हम लोग बनाया। यहाँ पे एक देखिए जाली लगा हुआ है, जाली के साथ पाइप सिस्टम करा हुआ है। और यहाँ पे एक जार रख के जार में फर्टिलाइज़र मिक्स करके फिर उसमें ये जो जाली आप उसके अंदर दोगे और उस टाइम आप पानी का फ्लो चलाओगे तो अपनी आप इसमें से वो फर्टिलाइज़र वगैरह लेके पानी में सप्लाई करेगा। और इसमें एक फिल्टर भी हम लोग लगा दिया क्योंकि ड्रिप में आयरन जा सकता है और भी पानी में जो फर्टिलाइजर वगैरह बड़ा दाना जाके फिर ड्रिप सिस्टम के ख़राब कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करा, इसमें एक फिल्टर लगा के उसमें पानी का फिल्टर करके फिर ड्रिप सिस्टम में देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो फिल्टर है, फिल्टर का साफ करने के लिए हम लोग एक रेंस रख दिया ऊपर, तो आपको दिखाऊंगा जो रेंस भी है यहाँ पे फिल्टर में। 15-20 दिन अंतर साफ कर सकते हैं। और वीडियो का एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे करके ड्रिप सिस्टम आप लगा सकते हैं खेत में, तो लगाने के बाद ड्रिप सिस्टम में बहुत सारा फ़ायदा है। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग सब बढ़िया रहे।